पूरी शॉल फैक्ट्री आप एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आएंगे मानिकरण साहब। तो एक्सप्लोर करते करते भी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सभी का, स्वागत आज के नए व्लॉग में। सो गाइस, आज है डे 3 हमारे मनाली ट्रिप का, एंड आज अपना चेकआउट डे भी इस वाली लोकेशन से गाइस। बाकी अभी जाएंगे, पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकलेंगे दूसरे लोकेशन में। तो आपको दूसरे लोकेशन बताऊंगा आगे चल के कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो करते हैं ये व्लॉग स्टार्ट। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट डे गाइस, बने रहना पूरे व्लॉग में, लेट्स गो। एवरीवन, ब्रेकफास्ट लगा लिया है, सांभर वड़ा मिक्स परांठा पोहा एंड और भी चीज़ें नॉन वेज में, एग एंड वेज सैंडविचेस, ओट्स। सो अपन ने तो अपना लगा लिया, बढ़िया इस व्यू के साथ इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। डेंस को चेकआउट करना है, चेकआउट करना है दूसरी लोकेशन। तो आपको आगे चीज़ बताना है दूसरी लोकेशन में हम कहाँ जा रहे हैं। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो बोना पतीत, लेट्स गो। देखो तो भाई आई है, पूरी रोड खत्म हो गई, फोर लेन रोड चेक कर सकते हो भाई, पूरी डेड हो गई आगे तक। देखो तो कितनी भयंकर तबाही आई थी, एंड अभी स्टिल उसमें है, रिकवरी हो रही है, कुछ कुछ पार्ट्स बन चुके हैं भाई। अभी टूटा हुआ है भाई साहब, बहुत ही भयंकर, देख सकते हो पूरा ये पत्थर रोड ये सारी धस गई थी भाई, ये देखिए। और ऐसे तो इतना पैचेस हैं यहाँ पे पूरे रास्ते में आगे, और भी देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी हम निकल चुके हैं एक और नई जगह के लिए, जो कि है कसोल तोश पार्वती वैली की साइड, एंड रास्ते में हम मणिकरण साहिब भी रुकेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, जो हमारा आज का डे है। एंड जो भी चीज़ें इंक्लूड होते रहेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलते हैं आगे, चल के मिलते हैं आज के दिन में गाइस। देखिए गाइस, पूरी ये रोड है वो कितनी टूटी हुई है भाई साहब, ये फोर लेन से भाई सिंगल लेन भी बच गई है, ये देखिए। और सामने वाला पिस्सा भी आपको पहाड़ कैसा टूटा हुआ है, क्या बात है, नाइस, क्या ही व्यू है भाई। बाजू में पहाड़ी है ब्यास रिवर गाइस। तो गाइस फिर से पैच आ गया, अब जो पूरा ये ख़त्म हो गया पूरा पैच, ये देखो भाई साहब देख रहे हो। तो गाइस मैंने पहले व्लॉग में आपको दिखाने वाला, उस टाइम रात हो गई थी, तो मैंने कहा इस वाले व्लॉग में एक दो क्लिप्स डालूंगा, देखो कैसी हो चुकी है रोड, बिल्कुल ही ख़त्म भाई। और ये फोर लेन थी गाइस, ये देखो। गाइस अभी सबसे पहले अपन रुके हैं यहाँ पे पश्मीना वेवर्स में, ये पूरी शॉल फैक्ट्री है हमारे भाई बता रहे। तो अभी ये एक्सप्लोर करते हैं, इसके बाद फिर आगे निकलेंगे, तो लेट्स गो। गाइस ये पूरी शॉल फैक्ट्री, आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, क्या बात क्या कि मैंने शॉपिंग कर ली है यहाँ से, क्या बात है भैया, बढ़िया। यहाँ पे होल सेल मार्केट है शॉल वगैरह की, वुलन क्लोथ्स की। बाकी भाई के पास जैकेट चेक करना भाई, ये देखो हर हर महादेव, क्या शानदार भाई ने जैकेट पहनी हुई है, वेरी नाइस। तो बाकी अभी यहाँ चल रहा है गाइस कसोल पार्वती वैली तोश है ना, वहाँ चलेंगे, वहाँ बढ़िया एंजॉय करेंगे। क्या हम शॉल फैक्ट्री के बाद आ चुके थे, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस है यहाँ के लोकल कश्मीर के मनाली के। तो यहाँ पे फुल ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, तो बहुत सारी वैरायटीज है ड्राई फ्रूट की, आप चेकआउट कर सकते हो, वेरी नाइस। यहाँ पे सैफ्रॉन भी बहुत फेमस है ड्राई फ्रूट्स है, यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स लगी हुई हैं, एंड मैम भी बहुत बड़े से एक्सप्लेन कर रही है हर एक चीज़ के बारे में कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं है। तो आई गेस हम कुछ लेते हैं यहाँ से तो आपको बता देंगे, एंड ये जस्ट स्टॉप कर करके चला रहा है आगे कि भाई जितने भी छोटी मोटी यहाँ की मेन चीज़ें हैं ना वो सब आज ही कवर कर देंगे, एंड देन पहुँच जाएंगे अपन कसोल पार्वती वैली। बाकी आज भाई का ओटीडी चेक कर लो भाई, ठीक लग रहा है आज का, आइए भाई। पहुँच चुके हैं पार्वती वैली, देख सकते हो भाई साहब बहुत ही शानदार, रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है लेकिन मज़ा आ गया। तो अभी हम जा रहे हैं तोश, पहले तोश में एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आएंगे मणिकरण साहिब, देन चलेंगे जहाँ पे अपना कैंप है वहाँ पे कसोल में। तो गाइस ये पूरा कसोल ही चल रहा है, वादियाँ देखो क्या शानदार लग रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैंप साइड है सारी रिवर साइड। तो अभी चल रहा है पहले तोश, तोश एक्सप्लोर
आपको दोस्त दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। दैन फिर मनीकरण साहिब, दैन फिर आपको पार्टी करवाएंगे आज, लेट्स गो। सो गाइस पहुंच चुके हैं तोश, तोश एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड यहाँ पे देखो वाटरफॉल बह रहा है, कितना ही शानदार लग रहा है पूरा आगे तोश है। एंड गाइस यहाँ से चालू होती है अपनी बहुत सारी अलग अलग जगह ट्रैकिंग, खीर गंगा की ट्रैकिंग। नीचे चल रहे हैं भाई, चलो भाई नीचे चलो गाइस, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए। ये देखो गाइस बस स्टेप्स बने हुए हैं नीचे जाने के लिए, बहुत ही शानदार भाई क्या बात है। मौसम देखो क्या बढ़िया हो रहा है, पहाड़ देखो वादियाँ बहुत शानदार। अभी आपको एक्सप्लोर करवाएंगे तोश भाई के साथ, तोश दिखाएंगे तोश, तोश में क्या क्या है, उसके बाद फिर नीचे भी एक्सप्लोर करवाएंगे। तो अभी चल रहे ऊपर, तो देखते हैं तोश में क्या है और आपको भी दिखाते हैं खुद भी देखते हैं। गाइस हम घूम रहे हैं तोश, तोश में गए कुछ नहीं, बस ये इतना सुंदर सा व्यू है एंड कैफेज वगैरह है, तो हम सोच रहे कोई बढ़िया कैफे में बैठते हैं वहाँ खाएंगे वहीं। ट्रैकिंग है गाइस पूरी, तो वह सांस से फूल रही है, तो ये पूरा गाँव सा बना हुआ विलेज तोश, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे एक ऊपर वाटरफॉल भी है, डेढ़ घंटे का रास्ता है, तो लेट्स सी ऊपर जाते हैं फिर नहीं क्योंकि थक तो वैसे हो गया है भाई, बाकी सांस ही फूल गई है ऊपर चढ़ने में। तो ये पूरी है, ये देखो यहाँ के पुराने सारे घर बने हुए हैं, फुल ओल्ड स्कूल टाइप, बहुत ही बढ़िया। बाकी टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे है इस वक्त, ये नहीं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ये रहा पूरा देख सकते हो तोश, क्या बात है नाइस। तो देखते हैं कोई बढ़िया कैफे वगैरह बैठते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। पर वन तोश घूम रहे थे तो लग रही है भूख, तो यहाँ पे बहुत सारे कैफे थे, तो अभी यहाँ पे कैफे में बैठे हैं एंड कैफे से ये वाला व्यू है भाई, यहाँ पे हर दो दो मिनट में आपको कैफेज मिल जाएंगे बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के। तो ये बहुत फेमस है शलोम कैफे है, तो यहाँ से देखते हैं कुछ मंगवाया है पास्ता नॉल, देखते हैं फिर आपको रिव्यू बताते हैं। बाकी यहाँ पे बेकरीज भी बहुत सारी है, सही है गाइस पीस है इस जगह में, ना ज़्यादा क्राउड ना कुछ है, लिमिटेड लोग है एंड फन है गाइस। बाकी देखते थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, फिर हमारा कैंप तो नीचे है कसोल में रिवर के पास, तो फिर कैंप साइट जाएंगे, उससे पहले जाएंगे मनीकरण साहिब गुरुद्वारे, वहाँ मट्ठा टेकेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो बढ़िया गाइस आपको पूरा तोश दिखाता हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ अंडररेटेड तोश की है क्या तोश भाई। तोश एक्सप्लोर करते करते बीच में कोई मंदिर सा पड़ा है, बढ़िया गाइस ये बहुत शांति वाला गाँव है। बाकी बच्चे देख रहे हैं तोश घूम रहे गाइस, बढ़िया। यहाँ पे गाइस वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा हैपनिंग जगह नहीं है, बट ठीक है कि हाँ क्या भाई क्या कहता है पुल्ली नशा, हाँ यहाँ पे लोग वही आ रहे हैं, हम तो ऐसे गलत आ गए, हमारे लिए नहीं है भाई, हम तो भाई ऑकवर्ड हो गए यहाँ के, क्या हो रहा है ये, हे राम जगन्नाथ प्रभु। तो गाइस अभी देख रहे हो ऊपर चल के क्या है क्या नहीं है। हाँ ये पूरा तोश देख सकते हो क्या बात है, पीस है कैफेज वगैरह है बहुत बढ़िया। बाकी गाइस ट्रैकिंग है ऊपर वाटरफॉल तक की, तो मैं आ गया था धीरे धीरे, मैं चेक तो करें आगे है क्या, तो मैं आया, बाकी हमारे लड़के पीछे ही है, वो कह जा तू वो जा व्लॉग अपना बनाया, तो मैं चलो थोड़ा बहुत देखता हूँ जहाँ तक हिम्मत होती है वहाँ तक चलते हैं। बाकी गाइस पूरी ट्रैकिंग आगे, पूरी ट्रैकिंग देख सकते हो रास्ता कैसा रास्ता है, लेकिन नज़ारे बहुत ही बढ़िया है, सारे कैफेज वगैरह गाइस साइड साइड में। ये नीचे देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, यही है गाइस तोश में और कुछ नहीं है, पीस है बस, आओ इन्जॉय करो बस। बाकी अब सोच रहा हूँ मैं यहाँ चल जाऊँ वापस, देन क्योंकि फिर नीचे मनीकरण साहिब भी जाना, वो भी आप लोग के लिए कवर करना है, देन फिर अपना कैंप तो है नीचे, आज कैंप में रुके हैं, तो लेट्स सी गाइस। तो यही है, बाकी ऊपर वाटरफॉल है और कैफे वगैरह तोश में और कुछ भी नहीं है गाइस। तो ये है पूरा सिस्टम देख सकते हो व्यू नज़ारे, वाकई थक गया इसमें तो वॉक कर करके। वाइस ये चेकआउट करो, ये पूरा तोश है पूरा, जो व्यू चेक करो क्या शानदार व्यू है। तो वैसे पूरा अपना तोश विलेज था, अब मैं चल रहा हूँ वापस, अब वापस चलते हैं बढ़िया से एंड नीचे उतरते हैं, देन फिर अब चलते हैं मनीकरण गुरुद्वारे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे आज रात का हमारा स्टे किधर है भाई, बहुत शानदार स्टे होने वाला है, फन आएगा रात को भी, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं मनीकरण भाई साहब, मनीकरण गुरुद्वारा देखेंगे बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो वहाँ चलते हैं। बाकी रास्ता देखो गाइस मैं कैसे रास्ते ट्रैकिंग कर रहा हूँ, उतर रहा हूँ, आ चुके हैं मनीकरण साहिब, वहाँ से आ चुका है तोश से, आपको तो तोश के बारे में बता दूँ गाइस, वो कुछ भी नहीं है तोश में, बस आपके कैफेज मिल जाएंगे एंड पीस वाले मिल जाएंगे,
वहाँ पे ना घूमने के लिए कुछ स्पॉट्स है, कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे जाओ शांति से इंजॉय करो, बस वही है। बाकी आप जा रहे हैं गुरु घर बढ़िया से, मणिकरण साहिब आपको भी दर्शन करवाते हैं अंदर चल के। लेट्स गो। वाहेगुरु जी की फतेह। क्या बात है, तो देख सकते हो ये आ चुका है सामने गुरुद्वारा, वेरी नाइस, क्या बात है। और ये भैरी है नदी, क्या बात है वाहेगुरु जी, क्या बात है। ये देखो भाई, देख रहे हो नदी का भाव कितना तेज है, कितना तेज है भाव भाई साहब। यहाँ तो अलग ही ठंड फील हो रही है, और वो है भाई वहाँ से गर्म पानी निकल रहा है पूरा हॉट स्प्रिंग। और ये देखो पूरी वैली कितनी शानदार है, क्या हाल है। पूरा एक गुरुद्वारा है ये देख सकते हो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया भाई। ये है भाई यहाँ पे देखो पूरा गर्म पानी, आप लोग स्नान कर सकते हो। ये देखो यहाँ से पूरा गर्म पानी निकल रहा है, यहाँ से आप लोग स्नान कर सकते हो पूरे लोग। और ये पूरा गुरुद्वारा भी अंदर चलते हैं, मत्था वगैरह टेकते हैं, और कितनी शानदार लग रही है वैली। एंट्री यहाँ से चलते हैं गुरुद्वारा साहिब की तरफ। वाहेगुरु जी, तो गाइस यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो। देखो पूरा गर्म पानी निकल रहा है, धुआं देखो कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, बहुत ही हॉट वाटर बॉइल है भाई, गर्म पानी है बहुत ही ज़्यादा। बाकी गुरुद्वारा साहिब वहाँ पे है, वहाँ चलेंगे, वहाँ दर्शन करवाते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का लंगर हॉल, बहुत ही शानदार। बाकी हमने दर्शन कर लिया, आपको दर्शन दिखाई दिया कितना शानदार दर्शन। बाकी यहाँ पे गुफा भी है, वहाँ चलते हैं, शिव मंदिर भी है, वो वहाँ के भी आपको दर्शन करवाते हैं। गुफा है भाई यहाँ पे, हॉट केव है, यहाँ चलते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। देखो भाई अभी हम हॉट केव से आए हैं, और ये आज जी हमें बता रहे हैं पूरी यहाँ की हिस्ट्री। हॉट केव में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो लाइक 12 महीने यहाँ पे गर्म ही रहता, गर्म पानी आता है बिल्कुल ही। तो अब चलते आगे, आपको आगे के दर्शन करवाते हैं। तो अगर गुरुद्वारा में टेक लिया, अब आ रहे हैं शिव मंदिर मणिकरण। तो यहाँ पे शिव मंदिर में देखते हैं, आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं। ये देखो गए दर्शन कर लो शिव मंदिर के, हर हर महादेव। महादेव कैसे उबलता हुआ पानी आ रहा है पूरा, और सामने मंदिर, ये भी शिव जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत सुकून। तो एवरीवन शिव टेंपल में बहुत ही शानदार दर्शन कर लिया। देखो साइड से जा रही है पार्वती नदी, और ये शिव शंभू मंदिर। अरे भाई साहब कितना ही शानदार है भाई, इतना शानदार दर्शन, मजा आ गया। हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। भाई परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत शानदार दर्शन, जय श्री शंभू, आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो एवरीवन दर्शन कर सकते हो यहाँ पे, सब लोगों ने चावल की पोटली डाली हुई है, ये देख सकते हो यहाँ पे सारे चावल बॉयल हो जाते हैं, ये भूख भी लग रहा है। शिव जी वैसा सुंदर लग रहा है, शिव जी बहुत ही शानदार। बाकी दर्शन तो बहुत ही शानदार कर ही लिए मंदिर के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय श्री शंभू, जय जय श्री शंभू। तो एवरीवन जैसा आप हमने दर्शन करवा दिया मणिकरण साहिब के गुरुद्वारे के, शिव मंदिर के, बहुत ही शानदार, आप देख सकते हो क्या ही शानदार नज़ारे है भाई, बहुत ही शानदार भाई आज का दिन। आप बस चलेंगे अभी कैंप साइट में, वहाँ चल के आपको पूरा कैंप का रिव्यू दूंगा, बताऊंगा कहाँ पे आज हमारा स्टे है, हर एक चीज़, फिर व्लॉग एंड कर देंगे ये वाला। आपने अभी तक का व्लॉग देख लिया तो लाइक कर दो भाई, पूरा रोशन मणिकरण साहिब का व्लॉग।
बाकी ये नज़ारे देखो, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, और देखो इतना चिल्ड पानी में यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। वाह, बहुत नाइस, बहुत ब्यूटीफुल। तो एवरेज पहुँच गए अपन कैंप साइट में, सामने रिवर जा रही है। आपको सुबह अगले ब्लॉग में व्यू दिखाऊंगा इसका। तो ये अपनी कैंप साइट, तो यहाँ से एंट्री है, तो आपको पूरा वॉक अराउंड देता हूँ कि कैसा है कैंप साइट। तो यहाँ पे इन्होंने पार्टी के लिए बनाया हुआ है, डीजे सिस्टम वगैरह ये, तो ये चेकआउट कर सकते हो। ये पूरा इन्होंने यहाँ पे सेट करा हुआ है रिवर साइड का। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम है और सारे कैंप्स बने हुए हैं साइड में, एंड यहाँ पे खाने पीने का इन्होंने टेबल वगैरह लगाई हुई है। बाकी आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या बोलते हैं अपना रूम। हमारे यहाँ पे दो कैंप है गाइस, आपको दोनों कैंप चेक करवा देता हूँ कैसे कैसे है, फिर ये वाला व्लॉग एंड कर देंगे। एंड कल व्लॉग आएगा जैसे आपको यहाँ के मॉर्निंग का दिखाऊंगा पूरा सीन कि क्या सीन है कैसे है। तो ये गाइस ये आ गए अपने दोनों भाई खड़े हुए वंश, क्या यहाँ पे कैसा है कैंप? बढ़िया है अपना पहला रूम, तो आपको खोल कर दिखाता हूँ कैसा है। तो देख लो गाइस, ये है पूरा कैंप एक अपना पहला। तो देखो गाइस कैंप तो ऐसे होते हैं, यहाँ पे वॉशरूम दिया हुआ है, बढ़िया है गाइस। बाकी आपको दूसरा भी चेक करवाता हूँ दूसरा कैसा है। तो गाइस ये आ गया अपना दूसरा कैंप, दूसरा दिखाते हैं कि कैसा है। ये गाइस अपना दूसरा कैंप आ गया, देख सकते हो पूरा यहाँ पे काउच वगैरह है, एंड आई गेस सेम वॉशरूम है। तो गाइस कैंप वगैरह सारे ऐसे ही होते हैं, तो ठीक है आप इन्जॉय करते हैं कैंप में। आ जाए हमारे दो दिन, एक आज एक कल, दोनों दिन कैंप में इन्जॉय करेंगे। बाकी आए पूरा पार्टी वार्टी का सीन होगा। बाकी होप करते हैं आपने पूरा व्लॉग देख लो आज का, तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आज का व्लॉग। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड कीप शेयरिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।